वैसे तो मेरा यहाँ अचानक का प्रोग्राम बना है। मैं टीकापुर में आया था सीताबेन जी के पास, और काफी समय से उनका निमंत्रण था, तो वहां पर 2 दिन की भट्टी रखी थी, उसके निमित्त आए थे यहाँ। और यहाँ पर तो अचानक का पाठ बाबा कहें वो हुआ है, तो खास आप सबसे मिलने का मौका मिला। आज यहाँ का वार्षिक उत्सव है और हमें बताया गया कि यहाँ एक सुंदर कार्यक्रम होना है, तो इसलिए हम कुछ ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक बहुत सुंदर यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है और उसको एक खास दिखाने के लिए सीताबेन जी हमको यहाँ लेकर के आई हुई है। यहाँ का सेवा केंद्र, यहाँ की सेवाएं देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा का ज्ञान इतना विस्तृत है यहाँ पर, और इतने सारे बाबा के बच्चों को देख करके बहुत सुंदर लग रहा है कि एक बेहद की परिवार फैमिली जो है कैसे विश्व के कोने कोने में एक संस्कृति, एक कल्चर को डेवलप कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये संसार कभी स्वर्ग था, धीरे धीरे यही संसार नरक बन गया, परंतु तो फिर भी इस संसार को स्वर्ग बनना ही है, ये भी हम जानते हैं। ये एक चक्र है और चक्र हमेशा घूमता रहता है, कभी बंद नहीं होता और वो रिपीट होता है। तो संसार जब स्वर्ग था तो निश्चित रूप से ये संसार फिर से स्वर्ग बनना ही है। ये केवल हमारी परिकल्पना नहीं है, लेकिन ये भगवान के महावाक्य हैं, और भगवान सदा सत्य है, जो कहता है वही सत्य है। परंतु ये संसार नरक से बदल करके स्वर्ग बने, उसके बीच में एक कड़ी होती है जहां पर हमको पुरुषार्थ करना होता है। हमें अपने जीवन को उच्च और आदर्शवान बनाना पड़ता है। इंसान में और देवी देवताओं में वैसे तो कोई बहुत फर्क नहीं होता है, जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है वो तो एक ही जैसा है, लेकिन गुणों का अंतर पड़ जाता है। और सारी पढ़ाई हमारे गुणों को धारण करने की है, हमारे जो भी हिसाब किताब है उसको चुप तो करना है और नए संस्कारों को अपने अंदर भरना है। ये सारा खेल इस पर ही निर्भर करता है, और हम जो भी इतने वर्षों से पढ़ रहे हैं सिर्फ इसके लिए ही पढ़ रहे हैं। परंतु संस्कारों को दिव्य करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, और वही बल है राजयोग। और इस राजयोग के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे संस्कार बदलते हैं, धीरे धीरे दैवी बनते हैं, और हमने ये देखा है। हमें से बहुत सारे भाई बहने बताया गया कि ये 28वां वर्षगांठ है इस बाबा के केंद्र का, तो बहुत सारे भाई बहने 28-30 साल पुराने हैं, कुछ उससे भी पुराने होंगे। और हमने देखा है कि जब हम बाबा के नहीं बने थे तब हमारा जीवन कैसा था, और जब हमने बाबा का हाथ पकड़ लिया तो हमारा जीवन कैसे बन गया। एक अंतर नजर आता है जीवन में। पहले जीवन में इतनी सुख और शांति नहीं थी, जीवन में परेशानियां बहुत थी। आज भी बाबा ने शराब की बात की, लोग शराब पीते हैं, क्या क्या खाते हैं, कैसा कैसा भोजन है लोगों का, और वो सब पीने के बाद लोग क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऊंचा बोलते हैं, अमर्यादित बोलते हैं, मार पीट करते हैं। कहीं ना कहीं हम सब के जीवन में भी ये सब बातें थी, तब जीवन कैसा लगता था, लेकिन अब ये जीवन कैसा लग रहा है। एक अंतर है हम सब के जीवन में, यही अंतर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अवगुणों की मात्रा कम होती जाएगी, गुणों की मात्रा बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे हम इंसान देवी देवता में परिवर्तित हो जाएंगे। यही एक सिंपल सी थ्योरी है बाबा की, और यही बाबा ने हम सबको लक्ष्य दिया है। खुद भी चलना है, साथ में दूसरों को भी जोड़ते चलना है, और इस संसार को बेहतर बनाते जाना है, और राजयोग ही उसका एकमात्र साधन है। बाबा कहते हैं सिवाय योग के और कोई साधन है नहीं हमारे पास जिससे ये आत्मा दिव्य बन सके, जिससे आत्मा के 63 जन्मों के पाप नष्ट हो सके,
विकारों पर हमारा विजय प्राप्त हो सके और कोई रास्ता है ही नहीं। बाबा ने आज प्रश्न में बहुत अच्छी बात कही कि बाबा किन बच्चों को बुद्ध समझते हैं, किन बच्चों को बुद्ध समझते हैं, जिनको बाप के मिलने की खुशी नहीं है। एक खुशी होनी चाहिए ना, हमारा पिता श्री बाबा जिसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, उसके ज्ञान से, उसके योग से हम सबको निश्चित रूप से एक सुंदर जीवन मिला है। हमारे मन में शांति आई है, हमारे जीवन में सुख आया है। परंतु ऐसे बाप के मिलने पर यदि हमें खुशी ना हो तो हम तो बुद्धू ही हुए ना, हम बहुत बड़े बुद्धू हुए। बाबा फिर भी पिता है ना, इसलिए इतने कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। हम तो कहते हैं कि भगवान ने जिसने इतना सुंदर जीवन दिया उसके मिलने की खुशी नहीं है तो हम तो बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली हो गए ना, हम बहुत बड़े दुर्भाग्य। जिसने हमारा सौभाग्य बनाया, जिसने हमें तकदीरवान बनाया, उसके मिलने की खुशी बहुत होनी चाहिए। खुशी होगी तो वो खुशी हमें आगे बढ़ाएगी, हमारे सदगति का मार्ग खोलेगी। भगवान से प्यार बहुत हो, उसके मिलने की खुशी हो और समय की समीपता का ध्यान हो। बाबा ने संगम को 100 वर्ष दिया हुआ है, परंतु हम सबको 100 वर्ष तो मिलता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि 100 वर्ष में भी अब 83 वर्ष बीत चुके हैं ना। इस वर्ष हम लोगों ने कौन से वर्ष की दीपावली मनाई, 83 की दीपावली मनाई ना, 83rd दीपावली हम सब ने सेलिब्रेट की। तो 100 वर्ष में से 83 वर्ष निकल गए, कितना बच गया, कितना बच गया, 17 वर्ष हमारे हाथ में है। बाबा कहते हैं कि वो 17 वर्ष भी पुरुषार्थ का नहीं है। आने वाले समय में परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाएंगी, माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाएगा कि हम चाह करके भी पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे। शरीर में तरह तरह के रोग हो जाएंगे, समाज में परेशानियां हो जाएंगी। और बाबा कहते हैं कि माहौल ऐसा हो जाएगा कि हम चाह करके ना तो केंद्र पर जा पाएंगे ना सेवा कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है। उस समय को भी ध्यान में रखते हुए हमें पुरुषार्थ में लग जाना है, समय को गंवाना नहीं है। हम लोग 24 घंटे में से 24 घंटे अपनी लौकिक प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। बाबा कहते हैं ये गलत है, गलत है ये। जिससे हमारा 84 जन्म बनना है, जिससे हमारे 84 जन्मों का भाग्य निर्मित होता है, उसके लिए हम मुश्किल से 1 घंटा निकालते हैं, 2 घंटा निकालते हैं। परंतु जिससे हमें कुछ भी नहीं मिलना है उसके लिए हम 22 घंटे देते हैं। बाबा कहते हैं ये रेशियो गलत है, इस रेशियो को चेंज करना है। पुरुषार्थ के लिए समय निकालना है, बहाना नहीं देना है बहन जी क्या करें, गृहस्थी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को नौकरी पर भेजना है, या पति ये बहाना दे कि ऑफिस में काम बहुत है। किसके पास काम नहीं है, किसके पास समस्याएं नहीं है, किसकी गृहस्थी नहीं है, हर एक के पास अपनी गृहस्थी है। परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति उस गृहस्थी में से ही समय निकालता है और निकाल करके पुरुषार्थ करता है। हमें पता है कि हमारे 84 जन्मों का भाग्य इस तपस्या से ही बनेगा, राजयोग के अभ्यास से ही बनेगा। कोई उपाय नहीं है हमारे पास, करके देख लिया ना हमने, 2500 साल तक भक्ति की, बहुत कीर्तन किए, बहुत हवन किया, बहुत जाप किया, बहुत पूजा की, ये संसार दिनों दिन नीचे ही गिरता आया। अब बाबा कहते हैं एक राजयोग के माध्यम से ही ये संसार फिर से स्वर्ग बन सकता है, उसके लिए समय देना है।
सदयुग बाद में आएगा, परंतु जिस संसार में हम रहते हैं वहां समस्याएं बहुत है, दुख बहुत है, परेशानी बहुत है। इस संसार में यदि हम सुख पूर्वक रह पाए तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। समस्याएं हमें परेशान न करें, शारीरिक रोग हमें परेशान न करें, जीवन की परिस्थितियां हमारे को तनाव के अंदर लेकर के न चले जाए, आत्मा डिप्रेशन में न चले जाए, उसके लिए भी राजयोग की बहुत जरूरत है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समय निकालो, बहाने नहीं दो। किसी के भी पास इतना समय व्यस्तता नहीं है कि हम बाबा के लिए और पुरुषार्थ के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं। हर एक के पास समय है, सिर्फ हमारी रुचि कम है। अपनी रुचि को बढ़ाएं, पुरुषार्थ के लिए समय निकालें। तो ये अनुभव कहता है, लाखों लोगों के जीवन का अनुभव है कि यही जीवन जो अभी बोझ महसूस हो रहा है, ये जीवन सुंदर लगने लगेगा, यही जीवन हमें सुख देगा। संसार तो यही है, हमको यही रहना है, हम भाग नहीं सकते संसार से, हम अपने परिवार से अलग नहीं हो सकते हैं, हम अपनी गृहस्थी को छोड़ नहीं सकते हैं, ये सत्य है। हमारा कर्म का बंधन ऐसा है कि हमको उनसे जुड़ के ही रहना है, लेकिन केवल एक राजयोग अपने जीवन में हम शामिल कर लें तो ये हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, बहुत आनंदमय हो जाएगा, हमारी समस्याएं सुलझती जाएंगी, कम होती जाएंगी, जीवन का सुख मिलेगा। सिर्फ जरूरत है समय की, रुचि की। तो बाबा कहते हैं अब समय को पहचानो, समय बहुत कम है, और जब समय कम हो तो हमें अपने पुरुषार्थ की गति को बढ़ा देना चाहिए। हमने देखा साकार मिलन का पाठ पूरा हो गया, अव्यक्त मिलन का भी पाठ पूरा हो गया। अब दादी की भी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, धीरे धीरे ये पाठ भी पूरा हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं अब बहानेबाजी को छोड़ना है, अपनी गृहस्थी को वाइंड अप करना है, और उसमें से अधिक समय निकाल करके पुरुषार्थ में लगाना है, बाबा की सेवा में लगाना है। इस सेवा से जन्म जन्मांतर के मार्ग के बनेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी भोग लगेगा।